आज मसाला किचन में बन रहा है न्यूट्री कुल्चा अमृतसर स्टाइल। सोया न्यूट्रिला के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो हेल्दी भी होती है, भरपूर प्रोटीन होता है। यकीन मानिए एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिए। स्ट्रीट साइड ये बहुत मिलता है और ख़ास तौर से पंजाब अमृतसर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हेल्दी बहुत है, प्रोटीन से भरपूर है। कौन सी ये रेसिपी है, स्ट्रीट में क्या क्या ये चीज़ें डालते हैं इसे बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए, लोग लाइन लगा लगा कर इसे खाते हैं, उसे हम कैसे बना रहे हैं आज अमृतसरी स्टाइल, उसे देखिए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिला लेनी है, सोयाबीन, आप इसे न्यूट्रिला भी कह सकते हैं, सोयाबीन वड़ी भी कह सकते हैं। ये है जो बड़ी होती हैं वड़ी, और एक होती है बारीक वाली, तो अपने को दोनों ही लेना है। जैसे मान के चलिए 100 ग्राम आपको बड़ी वाली न्यूट्रिला नगेट्स लेनी है और 50 ग्राम के आसपास सोयाबीन का चूरा लेना है। दोनों ही आपको लेकर इसे थोड़ी देर भिगा के रखना है। भिगाने के बाद इसे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसे बॉयल करना होगा। बॉयल करते टाइम थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। दोनों ही न्यूट्रिला को मैंने भिगो के रख दिया था, अब मैं इसे पूरा पानी में डाल रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग इसे इस तरीके से नहीं करते, सोचते हैं इसके प्रोटीन्स ख़राब हो जाएंगे, पर इसमें जो एक स्मेल आती है ना वो सबको पसंद नहीं आती है। तो सबसे पहले जो उसकी स्मेल है उसको हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इसमें जो ऊपर झाग होती है उसी में गंदा फ्लेवर होता है, तो पहले उसे उबालिए जरूर, उसकी झाग हटा दीजिए, फिर ही उसे बनाना शुरू कीजिए। जैसे ये गर्म होना शुरू हुई है इसमें एक झाग बन रही है, और ये काम आपको कुकर में भी नहीं करना है, किसी भी खुले बर्तन में करना है। कई लोग न्यूट्रिला को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कई लोग न्यूट्रिला को बेहद पसंद करते हैं, पर यकीन मानिए एक बार आपने इस तरीके से बना लिया, जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें भी ये बहुत पसंद आने वाली है। इसमें देखिए ये जो झाग बन रही है हमें ये उबालना है और इसकी झाग वाला पानी सारा हटाना है। ये स्टेप आप करिए, उसके बाद ही न्यूट्रिला को बनाइए। अब हम इसका पूरा पानी ड्रेन आउट कर देते हैं एक स्ट्रेनर से। अब आपको बिल्कुल भी इसे ठंडे पानी में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका पानी हटा दीजिए और इसे स्ट्रेनर में इसी तरीके से रख दीजिए। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ भी नहीं करना है, बस हमने बॉयल कर लिया। अब जो ये वड़ी हैं काफ़ी सॉफ्ट सी हो गई हैं। अब इस वड़ी को बनाने के लिए मुझे और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी देख लेते हैं। मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, करीब करीब 3 से 4 प्याज हैं। 4 से 5 मैंने शिमला मिर्च लिए जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर है ब्राउन अनियन, जैसे अक्सर मैं फ्राई करके जो प्याज रखती हूँ उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 से 5 टमाटर ग्राइंडेड हैं। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं और मेरे पास लहसुन है करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून, बाकी है अदरक और हरी मिर्च। एक बड़ी हांडी या मोटे तले का कोई बर्तन ले लीजिए, इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, मुझे विसल नहीं लगानी है पर मोटे तले का बर्तन होना चाहिए, इसकी भुनाई सबसे ज़्यादा होती है। तो अब सबसे पहले ऑयल डालकर नॉर्मल वाला प्याज डाल दीजिए। प्याज को थोड़ा पकाने के बाद इसी में मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन शुरू में मत डालिए, बाद में डालिए, इससे लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये जो ब्राउन की हुई प्याज थी मेरे पास उसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब जब तक ये प्याज पक रहा है तब तक मैंने क्या किया है, एक बोल में 1/2 कप के आसपास पानी डाल दिया है, और इसमें जो मैं खास मसाले डालने वाली हूँ वो मैं दिखा रही हूँ आपको। 1/2 कटोरी पानी में मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच मैगी मसाला, और 1 से 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पाव भाजी का मसाला, करीब 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, इन सब को मैं मिक्स कर रही हूँ पानी के अंदर। पाव भाजी का मसाला है तो वो डालिए, नहीं तो किचन किंग डालिए, जो आपकी मर्जी हो। इन मसालों को कैसे बनाया जाता है इनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उन सब की लिंक मैं नीचे डाल दूँगी।
इस न्यूट्री में कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है। हेल्दी होता है लेकिन अपना फ्लेवर नहीं होता। उसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए काफ़ी सारे जब हम मसाले यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और लोग स्ट्रीट में इतना पसंद करते हैं इसे कि आप भी इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अब प्याज को अच्छे से थोड़ा पका लिया है, इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद ये जो पानी में घुले हुए मसाले हैं उनको डाल देती हूँ। ऐसा करने से मसाले जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हमें वापस इसे पकाना होगा। ये बहुत अच्छे से मसालों के साथ प्याज पक रहा है और स्लो गैस कर दी है, इसे मैं थोड़ा ढक देती हूँ। तब तक मैं ले रही हूँ सारे गरम मसाले, जैसे जीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, जावित्री है, इन सब चीज़ों को, तेज़पत्ते को मैं हल्का ग्राइंड कर लेती हूँ। दरदरा गरम मसाला, ये ताज़े गरम मसाले की इसमें जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग सा होता है। यहाँ मेरे पास कसूरी मेथी, ये है अदरक और हरी मिर्च, इनको भी मैं पीस लेती हूँ या ग्रेट भी कर सकते हैं आप। कब कौन सी चीज़ डालनी है, ये बहुत ही बारीकियाँ हैं इस सब्जी के अंदर। अभी तक हमने टमाटर इसमें नहीं डाला है, अभी वो इतनी अच्छी ऐसे ही लग रही है बिना टमाटर डाले ही। अब हम इसमें डाल देते हैं ग्राइंड किए हुए टमाटर, जिससे और अच्छे से इसमें भुनाई होगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद अनुसार पूरी सब्जी के अकॉर्डिंग नमक। अब ये बहुत अच्छे से पकने लगी है, अब हम इसमें डालेंगे न्यूट्रिला जो हमने भिगा के उबाल के रखी है। अब पहले प्याज के साथ इसकी होगी भुनाई। इसे मैं ढक कर स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ जिससे ये बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाए और सारे मसालों का स्वाद इसके अंदर आ जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक और हरी मिर्च जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। हम इसे बार बार ढक के पकाएंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। भुनाई इसमें सबसे बड़ा रोल है। अब इसमें डाल देते हैं हम शिमला मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है। ये शिमला मिर्च भी इनके साथ घुल मिल जाएंगी और बहुत ही स्वाद आएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने गरम मसाला जो कूट के रखा था वो भी डाल दिया है, कसूरी मेथी। अब फिर से इसकी भुनाई शुरू होगी। अब इस सब्जी में हमें पानी जो डालना होगा वो बाद में डालेंगे, लेकिन दूसरे तरफ पे मैंने गरम करना रख दिया है क्योंकि इसमें हम पानी ठंडा नहीं डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे उबला हुआ। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर देसी घी जिससे इसकी और खुशबुएं बढ़ती चली जाएं। इसमें नमक थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि जो भी हमने मसाले डाले हैं उन सब में भी थोड़ा थोड़ा नमक ऑलरेडी होता है। अब ये सब्जी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, लेकिन अभी जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ वो ऑलरेडी पहले से उबाल के जो मैंने रखा है वही डाल रही हूँ। अब मैं इसे ढक कर पका लेती हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस इसमें जरूर डालें, बहुत अच्छी स्वादिष्ट ये सब्जी बनेगी। सोया सॉस को कैसे बनाया जाता है इंस्टेंट, अगर आपके पास नहीं है इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दे रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं। अब इसे ढक के वापस पकाइए। लग रही है ना बहुत ही अमेजिंग सी सब्जी, ये नॉर्मल सब्जी से बहुत डिफरेंट है। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, पकाना घोटना बहुत ज़्यादा है, तो जितना आप इसे पकाएंगे ढककर उतनी ही ये स्वादिष्ट बनती चली जाएगी। अब आप ऊपर से कर दीजिए इसमें हरे धनिया की गार्निश।
वैसे तो आप इसे रोटी के साथ, किसी भी सादी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, किसी पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बना रही हूँ कुलचे के साथ। कुलचा घर में कैसे बनाया जाता है ये रेसिपी मैंने पहले ऑलरेडी दे रखी है, पर अगर नहीं तो आप इस कुलचे को मार्केट से लाइए और इस तरीके से बटर के साथ गरम कीजिए, या पाव लाइए, पाव को गरम कीजिए और इसके साथ इंजॉय करिए। मैंने रख दिया यहाँ पर तवा, थोड़ा सा डाल दिया बटर और कुलचे को मैं इस तरीके से सेक रही हूँ। इस सब्जी को अगर बना लिया तो यकीन मानिए आपकी इतनी भूख बढ़ जाएगी कि लगेगा अभी इसे खाना चाहिए। मैंने कुलचे को रोस्ट कर लिया है, मैं कर रही हूँ अब इसे सर्व एक प्लेट में, जिस तरीके से रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट स्टाइल में सर्व किया जाता है, वो एक खाने में डाल दीजिए कुलचा, एक साइड रख दीजिए सैलेड और उसके बाद साथ में नींबू का पीस जरूर रखिए। जिस तरीके से हम पाव भाजी वगैरह खाते हैं ना, उसी तरीके से इसके साथ प्याज और साथ में नींबू जरूर चाहिए। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। अब इस सब्जी को सर्व कर लीजिए, गार्निश कर दीजिए थोड़े से हरे धनिए की। बहुत ही अमेजिंग सी ये सब्जी बनेगी। कैसी लगी ये सब्जी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।